अच्छा आपा, मैंने एक दफा देखा आपको प्रॉब्ली अराउंड दैट टाइम व्हेन यू वर हैविंग योर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी जब आपकी हो रही थी असेंबली में, तो मैंने देखा कि आपने अपनी बात का आगाज कुछ कहने से पहले आपने दुरूद ताज पढ़ी। मैं दुरूद ताज वो एकदम से मैंने मेरी अटेंशन इसलिए ली उसने क्योंकि मैं खुद बहुत मेरी बड़ी फेवरेट बहुत फेवरेट और मैं जिसे कहते हैं ना दिल के बड़ी करीब उसको तर्जुमे के साथ पढ़ती। तो इसमें इसकी क्या खास बात, और मैंने कहा था मैं जब भी मिलूंगी आपसे जरूर पूछूंगी। हाँ, पार्लियामेंट में जब मैंने मेरी पहली स्पीच पार्लियामेंट की बहुत अहम होती है और वो बहुत अहम प्लेटफॉर्म आपको जिम्मेदारी दी गई है। मैं ये समझती हूँ मैं इलेक्ट होकर आई हूँ, मैंने वोट हासिल किए हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला उससे सुरखुरू अता फरमाए कि मैं लोगों के काम कर सकूँ। तो जब मैं उस स्टेज पे खड़ी हुई हूँ उस प्लेटफॉर्म पे और मुझे पहली तो मुझे ये ख्याल था कि बारे लाहत तू मुझे यहाँ कामयाबी अता फरमा कि मैं लोगों के काम आऊँ। तो दुरूद ताज मैंने वहां इसलिए पढ़ा कि मेरी वालदा ने मुझे बचपन में जो पहली चीज याद करवाई थी अजबर वो दुरूद ताज थी। अच्छा, हम पांचों बहन भाइयों को उन्होंने याद कराई थी मानी के साथ। और इसकी जो इसमें जो तवातुर है तरतीब है और जो इसमें रिदम है दुरूद ताज में बहुत जब आप इसे शायरी हो रही है। हाँ, रिदम है उसका, खुशियत है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मैं आपको अपनी हजारों लाखों मिसालें दे सकती हूँ कि जिंदगी के जिस मरहले पर और जिस मसले पर मैंने दुरूद ताज का विर्द किया है अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ सुरखुरू अता फरमाई है। ये एक बहुत बड़ा अमल है और अगर इसको ऐसे मौकों पे पढ़ा जाए जैसे आजकल सैलाब है इस मौके पर भी हम दुरूद ताज बहुत ज्यादा पढ़ें क्योंकि अल्लाह ताला का रहम और करम नाजिल होता है। आपकी ये एक तरह की ढाल है जो इन चीजों में आपको महफूज रखती है। तो मैंने बचपन में याद किया और अब तो ये हाल है कि अगर कहीं ख्वाब में भी किसी जगह खौफ ज़दा हूँ या कहीं किसी ऐसी अहम चीज या मसले को देखूँ तो मैं शायद सोते में भी दुरूद ताज पढ़ती हूँ। तो ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने मुझे विर्द करवा दी है तो मुझे बहुत खुशी है। वो जैसे कहते हैं ना ईमान हो जाता है कि शुरू का कोई काम हो कोई मसला है कोई बात है तो दुरूद ताज मेरे जिंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा आपा, कुरान पाक की हम जैसा कि आप जानती हैं कि हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पढ़िए उसके ऊपर और उसके ऊपर अमल कीजिए। ये बताइए कि आपने जब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा तो कौन सी ऐसी आयत थी या कौन सी ऐसी बात थी जो ऐसी दिल पे घर की कि आपने उसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया? एक तो ये उरूद सच बात है कि पहले तो मुझे याद है कि मैंने कुरान हकीम जब खत्म किया तो वो जिस तरह आजकल भी बच्चे पढ़ते हैं कि जी उनकी आमीन हो जाती है पूरी एक खत्म। मैं मुझे याद है कि जब मुझे मेरी वो मुल्लानी साहिबा आती थी पढ़ाने तो मेरी अम्मी को इतना अजबर था कुरान हकीम कि अगर कहीं किसी जगह मेरे किसी उसमें पेश जबर जेर में फर्क हो जाता था तो वो काम करते करते वहां से टोकती थी और मुझे वो दुरुस्त करवा देती थी। उसके बाद ये हुआ कि बहुत वक्त गुजर गया और जब मैं ग्रेजुएशन मैंने की है उसके बाद दोबारा अम्मी ने एक मौलवी साहब लगाए ग्रेजुएशन के बाद दोबारा एक मौलवी साहब लगाए जिन्होंने मुझे इतनी उन्होंने करत के साथ मुझे बाकायदा लहन के साथ उन्होंने पूरा एक तो उसका जजर सही करवाया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि मखरज आपका सही आपकी अदायगी सही हो क्योंकि उसकी अदायगी बहुत अहम है बहुत और वो उस पर हमें ज्यादा बाजू का तवज्जो नहीं होती। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये देखिए माएं ये करती थी और आज की माओ को भी चाहिए वही करें कि उन्होंने बहुत से कुरान हकीम मंगाए हुए थे बहुत खूबसूरत। और मेरे वालिद जब हमारी शादी हुई बहनों की तो पहला जो हमें जहेज के लिए हमारी तैयारी होती थी कुरान हकीम बहुत खूबसूरत आता था ताज कंपनी से और फिर उस पर वो चांदी का पूरा वर्क चढ़वाते थे उस पर वो लिखवाते थे। अच्छा। वो आज भी मेरे पास है। तो ये एक तरह से रिलेट करना। उसके बाद जब मैंने उस वक्त कुरान शरीफ पढ़ा है वो महीनों पढ़ा था मुझे याद है कि मुझे अच्छी तरह से अम्मी याद करवाना चाहती थी और उसके आपको हैरत होगी कि मैंने कुरान हकीम लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे से नहीं पढ़ा था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद इस तरह पढ़ा है कि अगर कोई आयत पढ़ी जाती है तो वो मुझे मालूम है कि इसका मानी क्या आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज स्कूलों से होना चाहिए क्योंकि अब माओ को घरों में मौलवी साहिबान को बुलाना टाइम देना ये सब मुश्किल हो गया। तो स्कूलों में अगर आप आयात को याद करवाते रहे नर्सरी और प्री नर्सरी और
तेजी से और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को छोटी छोटी आयात, उनके तर्जुमे और उसके बाद उसकी तफसील, और उसके साथ साथ वो तमाम कसस उलंबिया जो कुरान हकीम में मौजूद है स्टोरीज की सूरत, उनको स्टोरीज की सूरत मुझे लगता है कि बच्चों को बताना चाहिए और उनको कुरान पाक से एक जो फ्रेंडली जो रिलेशनशिप होता है ना वो होना। मैंने जो एक छोटी सी काविश की है जो खिदमत मेरी तरफ से है, मेरे स्कूल में नर्सरी क्लास में एक बच्ची 2-3 दिन नहीं आई, तो मैंने उससे पूछा तुम क्यों नहीं आई थी बेटा, उसने कहा मेरी बिस्मिल्लाह थी, मैंने कुरान शुरू किया। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा मैंने गरारा पहना, मैंने ये पहना, मैंने टीका लगाया, नानी ने ये दिया। मैंने कहा क्यों हुई बिस्मिल्लाह, तुमने क्या पढ़ा? उसे कुछ नहीं पता था, ठीक है ना, बिल्कुल एहतमाम बहुत हो गया। बिल्कुल उस दिन से मैंने अपने स्कूल में किया है कि नर्सरी क्लास में 4 साल 4 महीने के 10 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं 4+ के 4+ के बच्चे, जनवरी में हम उनकी एक रस्म बिस्मिल्लाह करते हैं इज्तिमाई। हमने उनके वालिदैन से क्या जिम्मेदारी हमारी है, हम उनको हाथ फूल पहनाते हैं, लेकिन एक महीना हम बाकायदा उनको ये बताते हैं ये कुरान हकीम है। और मैं उसका देखिए कलर से बच्चों को सिखाया जाता है ना नर्सरी, बिल्कुल, तो पहला ये होता है सबक कि एक किताब है जो अल्लाह ताला की है, वो आपके सबके घरों में वो क्या है। फिर हम कहते हैं अच्छा चले आज का ये सबक है, आप घर जाए अम्मी से पूछें कि मेरा कुरान हकीम कहाँ रखा है, रिलेट करना, और वो किस कलर का है, कला कर का। कोई बच्चा आके कहता है मेरा ग्रीन है, येलो है, ठीक है, ब्यूटीफुल। फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये वो किताब है, इसमें वो सारा कुछ है, सारी जिंदगी पढ़ोगे ना और जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे वो सारा इस किताब में है, तो तुम इसको जरूर पढ़ो क्योंकि सारा कुछ इसमें है, साइंस भी है, तारीख भी है, दीन है, दुनिया है, सब कुछ है, ये किताब है। अल्टीमेट हम उन्हें इकरा की आयत तर्जुमे से याद करवाते हैं, फिर माएं नानियां दादियां आती हैं, फिर वो एक बड़ा पुरनूर एहतमाम होता है हमारे मुल्क की कोई ऐसी शख्सियत जिनको बच्चे बहुत कुछ सुनना देखना पसंद करते हैं और उनकी उनकी बात पर यकीन करते हैं, उन्हें हम लाते हैं और रस्म बिस्मिल्लाह की अदगी होती है। फिर हम माओं से कहते हैं कि अब हमने इन्हें जहनी तौर पर तैयार कर दिया, और उन बच्चों को सही मानों में मैं ये कहूंगी कि माओं के पीछे लगा देते हैं कि वो कहते हैं हम मौलवी बुलाओ हमें कुरान पढ़ो। इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, वो जो एक फ्रेंडली करना बच्चों को, बात ये है कि आप बच्चे के जहन को तैयार करें, बच्चे के जहन को आप उस काम के लिए तैयार करें, उस पर कोई काम थोपे नहीं, उसको रिलेट करें अपने दीन से, अपने खुदा से, अपने अपने जाब्ते हयात से, अपने मकसद से, नजरिए से, मुल्क से मोहब्बत करना और मोहब्बत करवाना सिखाएं। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर बच्चे इसी तरह बड़े हो जाते हैं कि ना उन्हें किसी से मोहब्बत रहती है, ना वो गरीब का से हमदर्दी रखते हैं, ना वो अपने पैसे को जायज इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो ये बाकायदा तरबियत है जो पुराने वक्तों से माएं करती थी, वालदैन करते थे, बाप सिखाते थे, तालीम गाहों में होता था। अब जरा माहौल जो है वो ज्यादा फैल गया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी ये मीडिया ने भी अब इसमें एक किरदार अदा किया है। ये जो आप प्रोग्राम कर रही हैं और इस प्रोग्राम के तहत चीज जा रही है, लेकिन बच्चों के जहन को तरतीब देना और तरबियत देना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाकर वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक मुसलमान की क्या तारीफ हम बच्चों को सिखाते हैं ये बताना चाहिए कि आपने हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, और वही बात कि हुकूकुल इबाद जो है अपने लोगों से आप प्यार करना सीखें, अपने लोगों के काम आना सीखें, उनकी से उनकी खिदमत करना सीखें, गरीबों से मोहब्बत करना सीखें, और अपने पैसे को जायज तौर पर इस्तेमाल करना सीखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट खुशबस्ताफा, थैंक यू सो मच। आप जो भी बात करती है इतनी खूबसूरत करती है और दिल नहीं चाहता कि आप चुप करें। थैंक यू। ये जी डिजिटल कुरान है समा टेलीविजन की तरफ से, दिस इज बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खवातीन हज़रात, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम, कोशिश यही थी कि हम हुकूकुल इबाद के हवाले से और वो तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनका हक अदा करें। हक की जब हम बात करते हैं तो हम हकूक हासिल करने के लिए अपने फराइज भूल जाते हैं, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि हकूक के साथ साथ मगर साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर बीवी है तो बीवी को भी पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ, माँ की भी जो जिम्मेदारी होती है उसको देखना है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तभी आपको आपके आपका हक मिलेगा। इसी के साथ साथ अब जो हमारे मुतासरीन सैलाब से मुतासर बहन भाई हैं उनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है और ये उनका हक है इस वक्त, और हमारी जिम्मेदारी है, हमें आगे बढ़ना है, उनका साथ देना है और उनको सिर्फ बातों से नहीं अमल से बताना है कि हर मुश्किल में, हर परेशानी में हम उनके साथ हैं।
अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से तो हमें आप लिखकर भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस rks@samar.tv पे. कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.